जय दोस्तों, कैसे मेरे भाई। एक और नए फोटोशॉप के पार्ट नंबर 12 में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों ये मेरा होने वाले फोटोशॉप का 12वां पार्ट। दोस्तों इसके पहले मैंने 0 से लेकर यानी कि 11 पार्ट तक दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके वीडियो को फटाफट वॉच कर लो। और मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, फोटोशॉप को 0 लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसका आपको कुल 100 वीडियोज मिलेगा, यानी कि 100 वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें से मैंने 11 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया। 12वां वीडियो दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ, और 12वें वीडियो में दोस्तों हम आपको क्या बताएंगे, यहाँ पे मिलता है आपको नोट्स टूल्स। यहाँ पे आपको जरा नोट्स टूल्स, इसे आप डायरेक्ट कंट्रोल एन से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप नोट टूल्स क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको 2 टूल्स मिलते हैं। नंबर एक नोट टूल्स आप डायरेक्ट कंट्रोल एन से सेलेक्ट कर सकते हो, और सेकंड नंबर पे आपको मिलता है आइडियो एनिटेशन टूल्स, इसे आप भी यानी कि कंट्रोल एन से सेलेक्ट कर सकते हो। आप दोस्तों इनका यूज कैसे करना है और कहाँ पे करना है, आखिर दोस्तों जो आपको 2 ऑप्शन दिया गया आखिर किस लिए दिया गया, तो आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमको पता भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और भाई के पास शेयर करो ताकि उनको भी ऐसा मजेदार वीडियो एंड टेक्निकल टिप्स और सोशल मीडिया का नया नया अपडेट ज्ञान टिप्स आपको मिलते रहता है। तो भाई अब आपको करना क्या है, इन दोनों टूल्स को समझने के लिए अब आपको फोटो की जरूरत होगी। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी कुछ फोटो होगी यहाँ पे भाई लेना है। अब फोटो कैसे लेना है, आप 2 तरीके से फोटो ले सकते हो। जो पहला तरीका है, यहाँ एक फाइल पे आके यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ सेलेक्ट यानी कि कर सकते हो। और इतना भी नहीं आ रहा है भाई तो इससे आसान तरीका है, अपने माउस के देन लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करना है, आपके गैलरी या फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपनी फोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको कोई एक फोटो को चूज कर लेना है। तो भाई डिफॉल्ट में इस फोटो को यहाँ पे ई वाली फोटो से चूज कर लेता हूँ। फोटो करता हूँ थोड़ा सा बड़ा भाई। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे मैं नोट्स टूल सेलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर मिलता है नोट्स टूल्स, अब मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बार माउस के देन लेफ्ट बटन को 1 बार प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नोट्स आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई अब फोटो के ऊपर लिखने की क्या जरूरत है, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर किस लिए दिया गया शायद आपको अभी नहीं पता, बने रहना भाई। भाई वीडियो को स्किप मत करो यार, किस लिए स्किप करो। अब करना क्या है यहाँ पे, आखिर दोस्तों इसका जो हम लोग कब कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। बाई चांस मान लेते हैं आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो भाई इस प्रकार अपने फोटो पर नोट्स लिखकर आप यानी कि जहां पे आपका फोटो या आधार कार्ड करेक्शन होगा वहां पर इसके यानी कि उसके पास सेंड कर सकते हो, ईमेल के तरह या व्हाट्सएप, आप किसी के भी थ्रू आप सेंड कर सकते हो। और इसका यूज किस लिए किया गया मैंने आपको पहले बोल दिया कि भाई यानी कि जो भी कुछ गलती हुई आपके फोटो में यहाँ पर सिंपल सा आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, टाइप कर उसके पास भेज सकते हो। तो मैं व्हाइट फॉल्ट कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रकार। इसका यहाँ पे आप लिख कर उसके पास शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, यहाँ पे फोटो का करेक्शन होगा। अब जो सेकंड नंबर दोस्तों आपको मिलता है आइडियो टूल्स, तो आइडियो टूल समझने के लिए सिंपल से पहले हम इसको करते हैं यहाँ से कट। जिस प्रकार इसका आप यूज यहाँ पे कर रहे हो इसी प्रकार तो वहां का यानी कि जो सेकंड नंबर पे आपको टूल्स मिल रहा है यहाँ पे आइडियो एनिटेशन टूल्स, इसका भी दोस्तों यहाँ पे आइडियो जैसे आप यहाँ पे नोट में टाइप कर कर उसके पास भेज सकते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इसमें अपने आइडियो यानी कि इसमें वॉइस कर कर अपने यानी कि जो भी कुछ गलती हुई फोटो में यहाँ पे बोल कर उसके पास भेज सकते हैं। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते हैं, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी आप फोटो पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं उसके पास। तो कैसे करना है उसके लिए सिंपल सा आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई भी एक फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों इस प्रकार, और फोटो को थोड़ा सा जो आपका स्क्रॉल बार मिलता है आपके माउस में उसको इस प्रकार बढ़ाते जाना है, यहाँ पे फोटो बड़ी हो जाएगी। अब करना क्या, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सेकंड नंबर पे ऑडियो एनिटेशन टूल्स, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट का ऑप्शन। तो फल दोस्तों मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी माइक से, इसलिए मैं अगर बोलूंगा तो आपको वॉइस सुनाई नहीं देगी। अगर आप फाइनली कोई आपका बड़ा विंडो होगा अगर उसमें आप इसको करते हैं तो 100% आपको सुनाई देगा, और उसके पास सेंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं मेरे भाई। अब जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब आप यहाँ पे करना क्या है, जो भी कुछ फोटो में करेक्शन करना है यहाँ पे आप बिल्कुल आपको बोलते जाना है, और जितना करना उतना बोलने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉप का ऑप्शन, यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑडियो का लोगो दिख रहा है भाई, यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करेंगे आपका ऑडियो यानी कि चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि फोटो में करेक्शन करना हो तो नोट्स के थ्रू आप भेज सकते हैं या आइडियो के थ्रू आप भेज सकते हैं, यानी कि नोट्स टूल का यूज आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो पसंद आया हो यार तो लाइक कर देना, शेयर करना, ऐसे आपको यानी कि यह है फोटोशॉप का 12वां पार्ट। जल्दी मैं लेके आऊंगा फोटोशॉप का पार्ट नंबर 13, और पार्ट नंबर 13 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई आपको ऐसा ही 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको मिलने वाला है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही मिलते हैं कुछ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों गुड।